सनी लियोन ने पिछले एक दशक में एक लंबा सफर तय किया है। सनी ने अपने लिए बिग बॉस कंटेस्टेंट से लेकर सफल अभिनेता तक की राह बनाई है, लेकिन रास्ते में गति बाधा और आलोचक रहे हैं। एक पत्रकार ने एक बार उन्हें अनुचित और सेक्सिस्ट सवालों के साथ मौके पर ही खड़ा कर दिया। सनी ने कुख्यात साक्षात्कार को संबोधित किया था और कुछ साल पहले अपमानित होने के बावजूद उन्होंने छोड़ने का विकल्प क्यों चुना। 2016 के साक्षात्कार में भूपेंद्र चौबे लगातार सनी को एक वयस्क फिल्म अभिनेता के रूप में अपने इतिहास पर दबाव डालते दिख रहे थे। उन्होंने सनी से सेक्सिस्ट बातें पूछी, जैसे कितने लोग पोर्न स्टार बनने की कल्पना करते हैं और कितनी शादीशुदा महिलाएं सनी लियोन को अपने जीवन साथी के लिए खतरा मानती हैं। फैंस ने सनी के ग्रेस अंडर फायर कमेंट के लिए उनकी तारीफ की। सनी ने 2018 में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ उस साक्षात्कार को संबोधित किया। मैं उठने और जाने वाली थी जब वो चिल्लाया, नहीं बैठ जाओ, उसे याद आया। जब सनी से पूछा गया कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा, मैं वास्तव में विश्वास करती हूं कि मैं कभी भी किसी को अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं करने दूंगी। उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा था वह सही होता अगर मैं इंटरव्यू छोड़ देता। इसने मंच पर उनके द्वारा कही गई हर बात की पुष्टि की होगी। उद्धरण चिन्ह।